हाय, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर आपसे बात करने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट हो रही हूं, वो है कंगना रनौत को लेके। और कंगना रनौत और कॉन्ट्रोवर्सीज यानी कि विवाद, इनका गहरा नाता कितना ज़्यादा है ये बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंगना जिन्होंने 17 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की, उसके बाद कई अहम फिल्में की, नेशनल अवार्ड जीता, उसके बाद कई टॉपिक्स को लेके, कई मुद्दों को लेके कंगना हमेशा से बहुत ज़्यादा मुखर रही हैं। यानी कि उन्होंने कभी, मुझे लगता है, बोलने से पहले बहुत हिचकी नहीं, कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। बहरहाल, मैं विवाद की बात कर रही हूँ तो पहले विवाद कंगना के होते थे बॉलीवुड फ्रिटर्निटी के अंदर, चाहे वो नेपोटिज्म का मुद्दा हो जो कंगना ने उठाया, या फिर किसी को सीधे सीधे क्वेश्चन करना हो, तो कंगना ने कभी भी उसमें गुरेज नहीं किया। अब जिस चीज़ को लेकर कंगना का विवाद गहराया है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमता है। अब मैं सीधे सीधे इसमें ये पूछूँ कि क्या कंगना और शिवसेना आमने सामने हैं, या फिर जो एक अलग एंगल निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि बीजेपी और शिवसेना आमने सामने और कंगना सिर्फ एक मोहरा है। तो ये तो खैर आगे पता चलेगा, क्योंकि सपोर्ट में कौन है, कौन खिलाफ में है, संजय राउत ने क्या कुछ कहा, उसकी तमाम डिटेल्स न्यूज़ में आप लगातार देखते रहते हैं। लेकिन अब ये हो रहा है कि कंगना ने बहुत गंभीर आरोप लगाए एक बीएमसी पर, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने मुंबई पुलिस को भी घेर लिया। तो आप सोचिए, तीन अहम लोगों पर किस तरीके से एलिगेशंस कंगना की तरफ से लगाए गए हैं और उसमें अब कंगना घिरती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ जहां पर बीएमसी उनके बंगले पर एक्शन ले रही है, नोटिस चिपका दिया गया है, ये कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी परमिशन नहीं ली गई है तो इसीलिए उसे अभी होल्ड पर डाल दिया गया है, तो दूसरी तरफ कंगना ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया जिसमें कई बड़े लोगों के नाम उन्होंने लिए। जैसे कि अगर मैं ट्वीट पढूं तो उसमें रणवीर सिंह का नाम लिया, रणबीर कपूर का नाम कंगना ने लिया अपने ट्वीट में, आयान मुखर्जी, विकी कौशिक, इन सब का नाम लिया और ये कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि इनका टेस्ट होना चाहिए, इनके ब्लड सैंपल्स लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे र्यूमर्स हैं कि ये कोकेन एडिक्ट हैं। अच्छा, ड्रग्स की आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि सोर्सेज ये भी बता रही हैं कि रिया चक्रवर्ती, जिनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, उन्होंने पूछताछ में 25 ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया है, बॉलीवुड फ्रिटर्निटी से जुड़े हुए लोगों का नाम लिया है जो कि इस चेन में शामिल हैं। तो आप सोचिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब कंगना के लिए कहा गया कि भाई उनकी भी जांच होनी चाहिए, एलिगेशंस ऐसे लगे कि कंगना भी ड्रग एडिक्ट हैं, तो कंगना ने उस पर खुलकर बोल दिया, साफ साफ उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे ब्लड सैंपल्स ले लीजिए, आप मेरा टेस्ट करा लीजिए, अगर ये कहीं पर भी पाया जाता है कि मैं ड्रग एडिक्ट, मेरे चैट्स को आप देख लीजिए, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए, अगर कहीं से भी ये निकलता है कि मेरे किसी भी ड्रग पेडलर से संबंध हैं तो मैं बॉलीवुड छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं मुंबई छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र मेरा घर है, ये साफ साफ कंगना कह चुकी हैं। अनिल देशमुख ने हालांकि उनके टेस्ट को लेकर बात की थी कि उनका भी टेस्ट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है कि अगर कंगना कह रही हैं कि उनका टेस्ट हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंगना पहले कई ड्रग एडिक्ट्स लोगों की बात कर चुकी हैं, अगर उनका टेस्ट होना चाहिए तो डेफिनेटली होना चाहिए। रिया ने जिन लोगों का नाम लिया है, अगर वो इसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं तो उनका भी टेस्ट होना चाहिए। और जब एनसीबी जांच कर रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही है, तो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर ये ड्रग कहां कहां धंसा है, इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा मजबूत हैं, इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली कंगना और शिवसेना का जो एंगल है वो क्या टर्न लेता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कंगना जब मुंबई में होंगी तो क्या रिएक्शन होगा, कैसे चीज़ों के साथ वो डील करेंगी, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी उनके पास पहले से ही है और आगे एलिगेशंस कहाँ बढ़ते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।